चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के सेरा में 7 दिवसीय शिल्प और बुनाई महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी चमोली डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने किया। इस शिल्प प्रदर्शनी में गढ़वाल के 7 जिलों के हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। CDO ने कहा कि इस तरह के महोत्सवों से हस्तशिल्पियों को एक दूसरे जिलों की कलाओं को देखने और उनसे सीखने का मौका मिलता है। आगामी दिनों में हस्तशिल्पियों की कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। हस्तशिल्प देहरादून के सहायक निर्देशक नलीन राय ने बताया कि वस्त्र मंत्रालय की ओर से गढ़वाल के सभी जिलों में इस तरह के प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉलों को लगाकर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी ओर से तैयार सामग्री को बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि हर शिल्प कला को बचाया जा सके। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम हम कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार के द्वारा कर रहे हैं, जिसमें हम 25 दुकानों का यहाँ 25 दुकान हमें लगाई हुई, इसमें हमारे लोकल हस्तशिल्प कारीगर भाग ले रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर आपको हमारे सारे जो भी गढ़वाल मंडल में जितने भी लगभग कारीगर रहे हैं जो हस्तशिल्प में काम कर रहे हैं, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं तो ये GI क्राफ्ट है हमारे यहाँ का, जो रिंगाल के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्राफ्ट एंड वीव महोत्सव है, एक तरह से मिनी एग्जीबिशन है जिसमें अलग अलग तरह की स्टॉल आप देख रहे होंगे। शिल्पकार हो गए, हमारे जो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोग हो गए, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हो गए, इन सबको यहाँ पर एक मौका दिया गया है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाएंगे और यहाँ लोकल लोग उसका फ़ायदा उठा सकेंगे और एक सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। और मैं और जो स्वर चमोली का रहने वाला है, और मेरा जो है ये कार्यक्रम काफ़ी आगे से हैंडीक्राफ्ट का, ये भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय से जो है सहयोग मिला है, इन लोगों का यहाँ पे स्टॉल लगाने का मौका मिला है। विभाग से मदद तो हो रही है सर, अब लगा रख हमने एक बीच में हमारे गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे जो अभी जो हल्के फुल्के कारीगर है वो भी हम इसको आगे कराना चाहते हैं।